क्या बनाने जा रही हैं, जिसके लिए 750 ग्राम चिकन, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, दालचीनी, 5 से 6 लाल मिर्च, 3 प्याज जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, 3 टमाटर, 3 से 4 चम्मच लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 250 ग्राम दही, कोयला स्मोक करने के लिए लिया है। सबसे पहले सारे मसाले को रोस्ट कर लेंगे, 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लें। अब रोस्टेड मसाले को ठंडा करके पीस लें। अब भुने हुए प्याज को और टमाटर को पीस कर पेस्ट बना लें। अब सबसे पहले रोस्टेड मसाला को इसमें मिक्स कर लें, लहसुन पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, चिकन पीसे, सबको डाल के मैरिनेट कर। अब इसे कोयले से स्मोक करेंगे, जिसके लिए मैंने कोयले को जला दिया है। इसे बीच में रख लें और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी डाल लें और इसे ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ दें। अब सबसे पहले सरसों तेल 2 से 3 चम्मच डाल लें, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब मैरिनेटेड चिकन को मिक्स कर लें, इसे 5 से 6 मिनट कंटिन्यू भूनते रहें। अब 5 से 6 मिनट बाद इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट और कश्मीरी मिर्च डालकर मिक्स कर लें अच्छी तरह से और इसे 20 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दें। अब चिकन अंगारा रेडी है, आप इसे फिर से एक बार 5 मिनट के लिए स्मोक कर लें। अब चिकन अंगारा रेडी है, आप इसे घर पर बनाकर ट्राई करें। इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।